पंचायती राज संस्थाओं के बेहतर वित्तीय प्रबंधन को लेकर बिहार में शीघ्र ही एक पंचायत एक बैंक खाता योजना लागू की जाएगी। पंचायती राज विभाग इसे जमीन पर उतारने को लेकर शिद्दत से काम कर रहा है। इसके लिए बैंक भी तय कर लिए गए हैं और उनकी सूचना भी शीघ्र ही सभी पंचायतों को भेजी जाएगी कि ग्राम पंचायतें किन किन बैंकों में से किसी एक में अपना बैंक खाता खोल सकते हैं या पहले से है तो रख सकते हैं। पंचायतों को एक को छोड़कर शेष बैंक खातों को बंद करना होगा। पंचायती राज मंत्री मुरारी गौतम ने सोमवार को बताया कि वित्तीय अनुशासन सख्ती से लागू करने तथा राज्य सरकार के विकास कार्यों को तेज गति से पूर्ण करने के लिहाज से एक पंचायत एक बैंक खाता की अवधारणा कारगर साबित होगी। इस योजना के लागू होने के बाद राज्य के सभी 8057 पंचायतों के पास इतने ही बैंक खाते रह जाएंगे। एक ही खाते में पंचायतों की तमाम योजनाओं की राशि सरकार से मिलेगी तथा पंचायत इसे खाते से राशि खर्च भी कर पाएंगे। एक पंचायत एक बैंक को जमीन पर उतारने के लिए पंचायत राज विभाग द्वारा डैशबोर्ड का निर्माण किया जा रहा है। डैशबोर्ड से सभी पंचायतों के बैंक खाते जुड़े रहेंगे। विभागीय मुख्यालय से हर पल सभी 8057 पंचायतों के बैंक खातों पर नजर रखी जा सकेगी। दीक्षांत एडुटेक लाया है दीक्षांत सी लर्निंग ऐप। बने दीक्षांत का चैनल पार्टनर और अर्न करे लाखों रुपए प्रति महीने। चैनल पार्टनर बनने के लिए विजिट करें www.dikshans.com। किस पंचायत के खाते में कब कितनी राशि आई और कब कब कितनी राशि खर्च हुई, पैसे किसे दिए गए, किन पंचायतों में राशि की खर्च धीमी है, जहां ऐसी स्थिति होगी वहां मुख्यालय स्तर से संबंधित जिले तथा पंचायत को निर्देश भेजे जाएंगे। काम की रफ्तार बढ़ाने की हिदायत दी जाएगी। डैशबोर्ड के तैयार होते ही जिलों को एक पंचायत एक बैंक पर काम करने का निर्देश भेजा जाएगा। राज्य की तमाम पंचायतों में पंचायत सरकार भवन में किसी एक बैंक की शाखा खोलने का निर्णय राज्य सरकार ने लिया है। पंचायती राज मंत्री श्री गौतम ने कहा कि हर पंचायत भवन में बैंकिंग के लिए जगह सुरक्षित किया गया है। हम बैंकों के प्रस्ताव का इंतजार कर रहे हैं। बिल्कुल मुक्त जगह दी जाएगी। जो बैंक जिस पंचायत में अपनी शाखा खोलना चाहते हैं विभाग को प्रस्ताव दे। वहीं मंत्री ने कहा कि पंचायतों में एकल बैंक खाता लागू हो जाने से एक तरफ वित्तीय अनुशासन बहाल होगी, वहीं विकास कार्यों की गति भी बढ़ जाएगी। शीघ्र ही हम इसे राज्य भर में लागू करने जा रहे हैं। मुरारी गौतम पंचायती राज मंत्री ने कहा कि एक पंचायत एक बैंक योजना को लेकर पंचायती राज विभाग ने फिलहाल 8 बैंकों को AMU किया है। इसमें भारतीय स्टेट बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, केनरा बैंक, उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक, दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक, सेंट्रल बैंक, पंजाब नेशनल बैंक और ICICI बैंक शामिल है। पंचायतों को इन्हीं में से किसी एक बैंक में अपना खाता रखना होगा। हालांकि ये संख्या और बढ़ सकती है। पंचायती राज मंत्री ने कहा कि एक दो और बैंकों ने रुचि दिखाई है और जल्द ही ये संख्या 10 तक पहुंच सकती है। दीक्षांत एडुटेक लाया है दीक्षांत डिजिटल क्लास। दीक्षांत डिजिटल क्लास का उपयोग कर छात्र बना सकते हैं पढ़ाई को बेहद आसान और मजेदार। दीक्षांत डिजिटल क्लास को स्कूल में बैठकर देखना है तो पेन ड्राइव और स्मार्ट टीवी बनेगा सही माध्यम। चलिए अब ये भी जानते हैं कि दीक्षांत डिजिटल क्लास का फी स्ट्रक्चर क्या होगा। नर्सरी से लेकर UKG के लिए 7,000, नर्सरी से लेकर दूसरी कक्षा के लिए 12,000, नर्सरी से लेकर 5वीं तक के लिए 18,000, नर्सरी से लेकर 8वीं तक के लिए 24,000, नर्सरी से लेकर 10वीं तक के लिए 30,000। अगर आपको डेमो करना है तो उसके लिए आप दीक्षांत डिजिटल क्लास के YouTube चैनल को विजिट कर सकते हैं। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब और Facebook पेज को लाइक करना ना भूले। धन्यवाद।